नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबके हिंदी .com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने 90 मिनट के भाषण में देश के विकास से लेकर कई विषयों पर अपनी बात देशवासियों के सामने रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और सेनानियों को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में शांति की भी अपील की। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब जनसंख्या के मामले में भी अग्रणी देश, इतना बड़ा देश, मेरे परिवार के 140 करोड़ सदस्य आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, दुनिया में भारत को प्यार करने वालों और सम्मान करने वालों को इस महान पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। इसके साथ ही मणिपुर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से नॉर्थ ईस्ट, विशेषकर मणिपुर में हिंसा का दौर चला। कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन लगातार कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से शांति बनाए रखी है। उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं। शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। लाल किले से अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर सपनों को सिद्ध करना है और संकल्प को पार करना है तो हमें तीन बुराइयों से लड़ना होगा। पहली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, दूसरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है और तीसरी लड़ाई तुष्टिकरण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। इस परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़ के रखा है, इसने लोगों का हक छीना है। तीसरी बुराई तुष्टिकरण की है। इस तुष्टिकरण ने देश के मूलभूत चिंतन को, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है। इसलिए हमें इन बुराइयों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के साथ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, जो हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरव गान पूरे आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हुई तोड़फोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर कोर्ट कल बुधवार यानी 16 अगस्त को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे से किए जा रहे विध्वंस अभियान पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए सोमवार 14 अगस्त को सहमत हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि वह 16 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में याचिकाकर्ता ने रेलवे अधिकारियों से मथुरा में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल याचिकाकर्ता ने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन मथुरा उत्तर प्रदेश के समक्ष एक सिविल मुकदमा दायर किया था और रेलवे प्राधिकरण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, लेकिन इस बीच 9 अगस्त 2023 को विध्वंस का काम शुरू हो गया। इसे अगले ही दिन 10 अगस्त को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने सिविल कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सभी अदालतें बंद हैं और वे इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सके। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्थिति का फायदा उठाते हुए रेलवे प्राधिकरण ने सबसे मनमाने तरीके से याचिकाकर्ताओं के घर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोमवार 14 अगस्त को दावा किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गिर जाएगी, क्योंकि करीब 25 विधायक सत्तारूढ़ दल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। बीजेपी नेता ने लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस कहती है कि उसने 135 सीटें जीती हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रही। यत्नाल ने कहा कि अगर 30 लोग पार्टी को छोड़ दें तो सरकार गिर जाएगी और 25 लोग तैयार हैं। राजस्थान में इस बार छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। दरअसल शनिवार 12 अगस्त को कुलपतियों की एक बैठक हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं चुनाव पर रोक लगाने के पीछे का कारण लिंगदो कमेटी के नियमों की पालना नहीं होना
और शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू नहीं करना बताया गया है। अब इस फैसले के बाद से छात्र नेताओं में गुस्सा भरा हुआ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉलेज सेशन शुरू होने के बाद से ही छात्र नेता राजनीतिक जीवन की पहली पारी की शुरुआत के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। खबरों के मुताबिक छात्र संघ के चुनावों के लिए यह तक सुनिश्चित हो गया था कि किस पद के लिए कौन चुनाव लड़ेगा। छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी समीर मेघवाल ने बताया कि चुनाव तो होने ही चाहिए क्योंकि हम चारों के लिए राजनीति की है पहली सीढ़ी है, इससे ही छात्र नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय होता है। वर्ष 2018 से इनरोल हूँ, तब से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस बार मेरी DSR टीम ने मौका दिया और कहा कि चुनाव लड़ो, लेकिन निरस्त हो गए। समीर मेघवाल ने कहा कि वे पूरे साल एक्टिव रहे। अभी हाल ही में छात्रों की मांग को लेकर 49 घंटे तक भूख हड़ताल की, फिर भी हम तो यहीं खड़े हैं और छात्रों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यह फैसला गलत है। वहीं ABVP के विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष रौनक राज सिंह शक्तावत ने कहा कि CM ने अपने निजी हित के लिए लाखों विद्यार्थियों का नुकसान किया है। उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी छात्र संघ में NSUI का सूपड़ा साफ ना हो जाए इसलिए चुनाव ही बंद कर दिए। छात्र नेताओं ने इसका आरोप BJP और कांग्रेस दोनों के सिर मरते हुए कहा कि दोनों ही नहीं चाहती हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो, क्योंकि उन्हें पता है कि युवा राजनीति में आ गया तो उनको घर पर बैठना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि वो युवाओं को कॉलेज तक ही सीमित रखने का प्रयास कर रहे हैं। नए विभागों का जिम्मा संभाल रही विजिलेंस मंत्री आतिशी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पदभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने SDM कार्यालयों में विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर चल रहे कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने SDM दफ्तरों में रिश्वतखोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव को बतौर चीफ विजिलेंस ऑफिस मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS दानिश अधिकारियों की टीम गठित करने और उनकी ओर से हफ्ते भर में दिल्ली के सभी SDM कार्यालयों का निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने मुख्य सचिव को खुद कम से कम 5 SDM दफ्तरों का निरीक्षण करने और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर SDM कार्यालयों में हो रही अनियमितताओं, कामों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जन सुनवाई के दौरान उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जहां शिकायतकर्ता बताते हैं कि SDM ऑफिस में कुछ सरकारी अधिकारी राजस्व विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों के आवेदनों को सुविधाजनक बनाने के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि SDM ऑफिस उन नोडल पॉइंट्स में से एक है जहां लोग आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जैसे बहुत ही बुनियादी और आवश्यक दस्तावेजों के लिए आते हैं। इन दफ्तरों में समाज के बेहद वंचित वर्गों के लोग आते हैं। ऐसे में यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि ये ऑफिस भ्रष्टाचार का स्थान बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर अपना कहर बरपा रही है। हिमाचल में लगातार भारी बारिश की वजह से कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी भूस्खलन से भारी तबाही की खबर है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बता दें कि हिमाचल में भारी बारिश के मद्देनजर सभी स्कूल और कॉलेजों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया गया था। हिमाचल प्रदेश IMD ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही आज 15 अगस्त के लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।